अगर आप डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखना काफी ज्यादा पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स नहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कुछ दिन पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम है फ्लाई। ये मूवी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मूवी अगर आप देखोगे तो आपको 1 मिनट के लिए भी बोर फील जरा भी नहीं होगा जैसे कि बाकी डॉक्यूमेंट्री मूवीज में होता है, क्योंकि मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है देखने में। और मूवी की कहानी की बात करूँ तो कहानी तो ट्रू इवेंट पे ही बेस्ड होगी। तो मूवी की कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ, अपने बेस जंपिंग स्पोर्ट तो सुना ही होगा। ये कहानी है 3 कपल्स की जिनको कि बेस जंपिंग करना काफी ज्यादा पसंद है और इनको कि अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है बेस जंपिंग स्पोर्ट में। तो जब ये शुरुआत में बेस जंपिंग करते थे तो लोग इनको बहुत ही ज्यादा गंदा बोलते थे कि तुम लोग को मरने का शौक है क्या, तुम लोग मरना चाहते हो क्या। यहाँ तक कि पुलिस भी इनको क्रिमिनल समझती थी। तो ऐसे शुरुआत में इनको काफी ज्यादा मुश्किल आई बेस जंपिंग करने में, यहाँ तक कि इनको बहुत सारी इंजरीज भी हुई थी। इन लोग की कमर की हड्डी तक टूट जाती थी। डॉक्टर्स इनको बोलते थे कि तुम देखो अभी जिंदगी में कभी भी बेस जंपिंग नहीं कर सकते, तुम लोग को अभी फुल रेस्ट ही लेना होगा पूरी जिंदगी भर। बट बोलते हैं ना, सपनों के आगे छोटी मोटी इंजरीज जो है वो मायने नहीं रखती। अगर सपना देखा है तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ये कपल्स, तीनों कपल्स में एक हिम्मत थी तो इन्होंने अपनी बॉडी को फिट बनाया पूरा। ये अपनी हिम्मत और अपने अंदर जुनून था इनके अंदर कि हमें अपना सपना पूरा करना है। तो इसी के ऊपर पूरी फिल्म बताई गई है कि तीनों कपल्स जो है इनका जो सपना है बेस जंपिंग स्पोर्ट्स में अपना रिकॉर्ड बनाने का। तो क्या ये अपना रिकॉर्ड सेट कर पाएंगे बेस जंपिंग में? और आपको लगता होगा कि बेस जंपिंग जो स्पोर्ट है वो बस पहाड़ चढ़ के बस पहाड़ पे से कूदना और लैंड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पोर्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब जंप करने के बाद अपनी बॉडी अगर जरा सी भी टच हो गई किसी पहाड़ या किसी पत्थर से तो मौत पक्की है। तो ये कपल्स के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि ये लोग पहाड़ से टकरा जाते हैं, चोट आ जाती है, पैरालाइज होने की सिचुएशन आ जाती है, बट ये लोग हार नहीं मानते। शुरुआत में तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है, बट लोग जैसे जैसे इनकी वीडियोस देखने लगते हैं, ये लोग जब भी जंप करते हैं ना तो अपने सूट में मतलब बेस जंप करने से पहले एक सूट पहनना पड़ता है, तो उस सूट में ना कैमराज लगा देते हैं ताकि जंप करने की वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो सके। वो वीडियो लोग जैसे जैसे देखा करते थे, लोगों को वीडियो अच्छी लगने लगी, लोग इनको सपोर्ट करने लगे बेस जंपिंग में, और इनको फिर वो फुटेज इनकी खरीदने लगे लोग। बड़ी बड़ी कंपनीज इसको बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इनको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने लगी। तो ऐसे करते करते तीनों कपल्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो गए पूरी दुनिया में। बट अब एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि ये लोग अपना रिकॉर्ड किस तरीके से सेट कर पाएंगे बेस जंपिंग स्पोर्ट में। क्या इनका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये लोग कोशिश करते ही जा रहे हैं अपना रिकॉर्ड वो करने की, सेट करने की। तो ये किस तरीके से अपना रिकॉर्ड बना पाएंगे जानना मूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। मूवी आप फैमिली, बच्चों को, सभी को दिखा सकते हो। मुझे तो ये मूवी काफी ज्यादा जबरदस्त लगी, एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखना काफी ज्यादा पसंद करती हो तो। और मुझे ना मूवी की है ना वो जो फुटेज थी जो बंजी जंपिंग करते समय लेके गई थी वो काफी ज्यादा अच्छी लगी देखने में। मतलब वो फुटेज जब बेस जंपिंग करते हैं ये लोग तब शूट की गई है, तो वो सीन भी दिखाए गए हैं मूवी में, तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। मूवी की स्टोरी भी जबरदस्त है। आपने अगर अभी तक फ्लाई मूवी नहीं देखी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की न्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो जल्दी से जाके देख लो। हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है हिंदी डबिंग में, और भी भाषाओं में डब करी है। देखो और कमेंट में जरूर बताओ आपको फ्लाई मूवी कैसी लगी देखने में।